सोचिए अगर भुवन बाम ने वाइंस की जगह एजुकेशन चैनल खोला होता, रुवराठी ने एजुकेशन की जगह टेक का चैनल खोला होता और टेक्निकल गुरु जी ने वाइंस का चैनल बनाया होता, क्या लगता है आज ये लोग उतने सक्सेसफुल हो पाते जितना ये लोग आज है? ऑब्वियस आंसर है नहीं, लेकिन ये सारे आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में काउंट होते हैं क्योंकि इन्होंने अपने लिए सही नीश चूज की थी। पर आप लोग पूरी तरह से कंफ्यूज है कि मैं क्या नीश चूज करूं, क्या ट्रेंडिंग नीश में जाऊं या फिर जहां पैसा ज्यादा मिल रहा है वहां पे जाऊं या फिर मुझे जो आता है वो करूं, और अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं क्या करूं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अपनी नीश किस तरह चूज करनी है जो कि आपको एक्चुअल में सक्सेसफुल बनाएगी। टेक्निकल गुरुजी गैजेट रिव्यू और भुवन वाम वाइंस इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये उनका पैशन है। जब ये लोग सक्सेसफुल नहीं थे तब से ये लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इससे पहले आप लोग ये कहे कि आपका कोई पैशन नहीं है, मैं आपको बता दूं आप गलत हो। हर इंसान का एक पैशन होता है, बस उसको ढूंढना आना चाहिए। सोचिए अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा होता, अनलिमिटेड टाइम होता और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो आप क्या करते? आपका जो भी आंसर है वही आपका रियल इंटरेस्ट है। और अगर आपके पास कोई आंसर नहीं है तो ये देखिए कि आप खाली टाइम में क्या करते हैं या फिर अपने डेली लाइफ में ऐसा कौन सा काम करते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ये चीज मूवी देखना, वॉक पे जाना, ओवरथिंकिंग जैसी छोटी चीजें भी हो सकती है और यही चीजें आपके सक्सेस की चाबी भी हो सकती है। आज के टाइम पे हर चीज पे कंटेंट बनाया जा सकता है और उसे मोनेटाइज भी किया जा सकता है। अब आपका जो भी पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर ये लिस्ट लंबी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा फायदा है। अब मैंने पैशन ढूंढने पे इतना फोकस क्यों किया है इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, तब तक हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आपके पास कई सारी चीजें होंगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है या फिर जिसकी आपको थोड़ी सी नॉलेज है, लेकिन हम इन सारी चीजों पे अपना चैनल नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग इसे और ज्यादा नैरो डाउन करेंगे। आपको ये पता करना है कि जो आपका इंटरेस्ट है उसके लिए कोई मार्केट अवेलेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस तरह उसको क्रिएट किया जा सकता है। इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मान लीजिए आपका इंटरेस्ट मूवी देखने में है और आप अच्छे से जानते हैं कि आपके आसपास जितने लोग हैं आप उन सबसे ज्यादा मूवीज देखते हैं, तो आपको मूवी मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। आपको देखना है कि मूवी से रिलेटेड किस किस चीजों की डिमांड है और क्या चीजें ट्रेंडिंग पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मूवी से रिलेटेड समरीज, रिकमेंडेशंस, रिव्यूज, रिएक्शंस, इन सब चीजों की डिमांड है, तो आप इसमें से कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और जिन चीजों की डिमांड नहीं है उनकी डिमांड बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब मूवी रिलीज होते टाइम किसी को नहीं जानना कि मूवी में क्या गलतियां हैं, लेकिन किसी के अंदर अगर कमियां निकालने का टैलेंट है तो उसने उस चीज को यूज किया और कंटेंट बनाया जिसको लोगों ने कंज्यूम भी किया। अब ये तो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मार्केट हो, लेकिन जब आपके पास ऐसा कुछ ना हो तो आप क्या करेंगे? आपको अपने कंटेंट के लिए एक सुटेबल मार्केट देखनी है जिसके साथ आप ब्लेंड कर सके लेकिन फिर भी आपकी यूनिकनेस बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि ओवरथिंकिंग अगर किसी का पैशन है तो उस पे भी कंटेंट बनाया जा सकता है और इसका एग्जाम्पल ये रहा। If I weigh 99 pounds and eat a pound of nachos, am I 1% nacho? What? If you drop soap on the floor, is the floor clean or is the soap dirty? Dude, what are you talking about? Apple made a car. Would it still have windows? All right, I'm going to bed before I get a contact high. आप सबने ऐसी हजारों रील देखी होंगी, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये कितना सिंपल एंड स्टिल कितना यूनिक आइडिया है? ठीक इसी तरह हर इंसान के मन में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन इसने अपने थॉट्स पे कंटेंट बनाया। अब ऑल्दो ये क्वेश्चंस काफी डीप होते हैं और इनके पीछे पूरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाई जा सकती है जो कि एजुकेशन मार्केट का हिस्सा बन जाती, लेकिन इस क्रिएटर को पता था कि इसके पास एक्सप्लेनेशन का टैलेंट या पैशन नहीं है, तो इसने अपने कंटेंट को ह्यूमन मार्केट के साथ ब्लेंड कर दिया। अब नॉर्मली जब हम ह्यूमर की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले वाइंस, फनी क्लिप्स, जोक्स, ऐसी चीजें आती है, लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि डीप क्वेश्चंस को भी फनी वे में बनाया जा सकता है या किसी की ओवरथिंकिंग भी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ठीक इसी तरह आपको अपने हर इंटरेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है और हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखनी है, और जहाँ पे ये दोनों चीजें मिल जाएंगी वहाँ आप अपने नीश के एक कदम और पास होंगे। अब हर चीज जिसकी मार्केट में डिमांड है जरूरी नहीं कि उसकी वैल्यू भी उतनी हो। नीश डिसाइड करते टाइम मनी हमेशा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, लेकिन सिर्फ मनी के बेसिस पे अगर आप नीश डिसाइड करेंगे तो आपका फेल होना ग्रांटेड है, और रीजंस आपकी वीडियो नहीं होगी बल्कि आपका माइंड होगा, क्योंकि जो चीज आप सिर्फ पैसों के लिए करते हैं उसे आप एज अ जॉब करते हैं, और अगर आपने यूट्यूब को एज अ जॉब किया तो कभी ना कभी आप फ्रस्ट्रेट होकर इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर नीश चेंज करते रह जाएंगे। यूट्यूब एक बिजनेस है ना कि जॉब, और बिजनेस हमेशा वही करना चाहिए जो आता हो, ना कि वो जो दिखने में अच्छा हो। यूट्यूब की हर नीश की वैल्यू अलग है, अगर मैं इनको सीक्वेंस में लगाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब मार्केट एनालिसिस के बाद आपको ये देखना है कि आप अपनी नीश से कितना जनरेट कर पाएंगे। अब आपको एक एग्जैक्ट नंबर तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता, लेकिन आप एक अप्रोक्स लेके चल सकते हैं जहाँ पे आप इस लिस्ट की मदद से और स्पॉन्सरशिप को ऐड करके खुद की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एनिमेशन नीच में व्यूज तो बहुत आते हैं लेकिन यूट्यूब से पैसे बहुत कम मिलते हैं, पर इसके स्पॉन्सरशिप में और कंटेंट क्रिएशन के वर्क में लाखों जनरेट किए जा सकते हैं। वही फाइनेंस में व्यूज तो कम आते हैं लेकिन यूट्यूब से पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं और स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज्यादा मिलती है। और ठीक इसी तरह टेक नीच में व्यूज मॉडरेट होते हैं और पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं और स्पॉन्सरशिप कम मिलते हैं। अब जैसे हमने पहले मूवी नीच को डिसाइड किया था, जहां मैंने मार्केट एनालिसिस करने के बाद मूवी समरीज पे वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन मूवी नीच एंटरटेनमेंट में आती है जिसकी अर्निंग बहुत ही कम है और इस नीच के लिए स्पॉन्सर भी ज्यादा नहीं है, तो मैं इस नीच पे चैनल नहीं बनाऊंगा और दोबारा से स्टेप वन पे जाऊंगा और एक नए इंटरेस्ट के मार्केट एनालिसिस करने के बाद आगे बढ़ूंगा। अब इन तीनों पैरामीटर्स के अंदर जो भी चीजें बच जाती है आप उसे एज अ नीच चूज कर सकते हो। लेट्स अज्यूम आपने प्रीवियस सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिया और आपका कंक्लूजन निकला कि आप हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड चैनल खोलेंगे जहाँ पे आप एक्सरसाइजेस बताएंगे। लेकिन अब सोचिए कि क्या आप ये काम अगले 5 साल तक कर सकते हैं? क्या 5 साल बाद भी आप अपने ऑडियंस को कुछ यूनिक प्रोवाइड कर पाएंगे? बेसिकली हम 6 मसल्स को ट्रेन करते हैं। अगर आप 6 मसल्स के लिए 10 अलग अलग एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, वो भी 10 अलग अलग वीडियोस में, और मान लेते हैं कि थोड़े चेंजेस करने के बाद आप इसे रिपीट भी कर लेते हैं, तो भी आप सिर्फ 120 वीडियोस ही बना पाएंगे जो कि आप आराम से 1.5 साल के अंदर कवर कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि दोबारा कंटेंट रिपीट करने के बाद चैनल डेड हो जाएगा। अब इस टाइम पे आपको अपने चैनल का नीच चेंज करके एक ब्लॉग चैनल बनाना पड़ जाएगा। और ठीक इसी तरह जहां आपने चैनल स्टार्ट करने के टाइम सोचा था कि सिर्फ 1-2 घंटे एक्सरसाइज करके रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, अब आपको पूरा दिन कैमरे के सामने रहना पड़ेगा और हो सकता है कि ये चीज आपको लंबे टाइम तक पसंद ना आए क्योंकि हम सब में से हर कोई इतना ज्यादा सोशल नहीं है। और वहीं दूसरी साइड जिसने मूवी समरी पे चैनल खोला होगा वो 10 साल बाद भी यूनिक वीडियोस डाल सकता है। तो फिटनेस में पैसे तो ज्यादा है जो कि आप 2 साल तक अच्छे खासा अर्न भी करेंगे लेकिन फिर कंगाल होने लग जाएंगे। वही एंटरटेनमेंट नीश वाला 2 साल बाद भी अपना वीडियो डालता रहेगा और अगले 8 साल और काम करेगा जिसकी वजह से अगले 8 साल वो और भी ज्यादा अर्न करेगा जब आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसलिए स्टार्टिंग में नीश डिसाइड करते टाइम उसको एज अ 5 ईयर प्लान सोचना और जरूरत पड़ने पे आप इस नीश को किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी ध्यान में रखना, और नीश कन्वर्ट करने के बाद वो चीज आपके लिए सुटेबल है भी या नहीं इस चीज को अपना टॉप फैक्टर हमेशा रखना। YouTube पे 114 मिलियन से भी ज्यादा चैनल्स हैं और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपने जो भी नीश डिसाइड की है उसमें ऑलरेडी कई सारे प्लेयर्स होंगे जो कि आपकी ऑडियंस को ऑलरेडी ट्रैप करके बैठे होंगे, तो आप उनको बीट कैसे करेंगे या फिर कंपटीशन को देख के नीश चेंज कर लोगे? आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है और यही रीजन है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको अपना पैशन ढूंढने के लिए कहा था। अगर आपका कोई पैशन है या किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है तो आपको अपनी कंपटीशन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कंटेंट खुद में यूनिक बन जाएगा। लेट मी एक्सप्लेन इट। अगर आपका किसी नीश में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी और वीडियो बनाने के लिए आप यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे या फिर अपने ही कॉम्पिटिटर्स की वीडियो को मर्ज करके एक कंक्लूजन वीडियो बना देंगे। अब क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपनी ऑडियंस के लेवल पे ही हो और आपकी ऑडियंस भी ठीक उसी तरह रिसर्च करेगी जिस तरह आपने की थी, जिसकी वजह से उसको आपके चैनल पे कोई भी यूनिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी। और बाय चांस अगर उसने आपके कॉम्पिटिटर्स की वीडियो देख रखी होगी तो उसको पता होगा कि आपकी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है जिसकी वजह से वो सब्सक्राइब नहीं करेगा और एज अ रिजल्ट आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाएंगे और चैनल बंद कर देंगे क्योंकि ये आपका पैशन नहीं था और आपको कोई भी मजा नहीं आ रहा था ये करते हुए। आपने सिर्फ ग्रोथ के लिए इस नीश में चैनल बनाया होगा और वो ना मिलने पे आप डिमोटिवेट हो चुके होंगे। वही अगर आपने अपने पैशन या इंटरेस्ट पे नीश डिसाइड की थी तो आपके पास एवरेज से ज्यादा नॉलेज होगी जो कि लोगों को पसंद भी आएगी और आप ग्रो भी करेंगे, और अगर ग्रोथ में टाइम लगता भी है तो भी आप इंजॉय कर रहे होंगे जैसा कि भुवन वाम ने किया। और इसका एक लाइव एग्जांपल आपके सामने मैं ही हूँ। मेरे से पहले ही मेरी नीश में कई सारे क्रिएटर्स हैं जो मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ बैठे हुए हैं और कई सारे क्रिएटर्स प्रेजेंट में मेरे से कई ज्यादा आगे हैं, लेकिन स्टिल आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं क्योंकि मेरा इस नीच में इंटरेस्ट है और मेरे पास यूनिक वे है अपनी नॉलेज प्रोवाइड करने का, और इसके अलावा मुझे वीडियोस बनाने में मजा भी आता है, इसलिए अगर मुझे व्यूज कम भी आ रहे होते तब भी मैं इसी एक्साइटमेंट और वैल्यू के साथ वीडियो बना रहा होता। आपको कॉम्पिटिटर की फिक्र सिर्फ तब करनी चाहिए जब आप किसी को एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हो। अगर आपका थोड़ा सा भी किसी कंटेंट में अपना स्टाइल है तो आपको कॉम्पिटिटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक वो सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अपनी नीच डिसाइड करते टाइम, लेकिन स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है या आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने 25 फेसलेस नीशेस बताए हैं जो कि अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं। और इसी के साथ हमारी यूट्यूब सीरीज की पहली वीडियो कंप्लीट होती है। आगे और भी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है जहां मैं टॉपिक सर्च करने से लेके एडिटिंग और मोनेटाइजेशन तक सारी चीजों को कवर करने वाला हूं, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करो।